आज 29th of July और बेलगाम नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हेल्पलाइन चालू कर रहे हैं, उसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। लेकिन ये हेल्पलाइन जो मेरे पर्सनल मैनिफेस्टो में था इलेक्शन के पहले कि हम हर वार्ड को हर रोज रीच होंगे, ये हिसाब से हमारे लोग, हमारी जो टीम है, एक पर्सनल टीम हमने बनाई है। ये टीम हेल्थ का हो, सैनिटेशन का हो, एजुकेशन का हो, रोड्स, गटर्स, वाटर, लाइट्स, यूजीडी, जो भी समस्या है ये हेल्पलाइन पे हमारे लोग कांटेक्ट करेंगे। अगर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहता है या कंप्लेंट करना चाहता है, ये हेल्पलाइन वाले नंबर लेके हमारे पास आके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं इसका फॉलो अप करूँगा कि जो कंप्लेंट है वहाँ पे जाके कोई विजिट किया है कि नहीं, खुद भी जाके विजिट करेंगे अगर सीरियस प्रॉब्लम्स रहेंगे तो, विजिट करके उसका काम क्या है और क्या इश्यू है और क्या प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट होके आने के बाद में हमारा फर्ज बनता है, इलेक्ट आई इसमें हम करते भी है ना, जनरल तो केस माडबेको और प्रॉब्लम्स इतने सॉल्व माडबेको, ಅದು ಯೂಜೆಡ್ದು ಇರಬೇಕು, ನೀರ್ದು ಇರಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು। ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಜೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್। ಹಮಾರ ಟೈಮ್ ಜಹಾ ಪೇ ಭೀ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ಜೋ ಭೀ ಏರಿಯಾ ಮೇ ಜೋ ಭೀ ವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ದು, ಗಟರ್ಸ್ದು, ಯು ಜೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ದು, ಅದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ। ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಇರಲಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಗ್ರೀನರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಮೊನ್ನೆ ಬೀಮ್ಸ್ದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಜಪಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಹೊಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಕೆ ಜಲ್ದ್ ಸೆ ಜಲ್ದ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಯಾರು ಕರ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕರ್ಕೆ ಹಮಾರೇ ಜೊ ಪೂರೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇ
जो पेशेंट्स आते हैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी कोशिश है। ऐसे ही स्कूल्स में ज़्यादा करके मैंने बहुत से स्कूल को विजिट किया है, स्कूल्स के जो जो प्रॉब्लम्स है, क्लासरूम्स को टीचर्स का हो, टीचर्स की शॉर्टेज का हो, हम ये भी प्रयत्न करके फंड्स डाल के टीचर्स को अपॉइंट करके या टीचर्स को डिप्यूट करके वो भी कोशिश कर रहे हैं। मत मीम्स हॉस्पिटल डल ले ना हेल्थ भी अल पेशेंट के नोड़ दिल बाड़ हाँ ना स्वतः बोर्ड सर्ते अल विजिट मे और प्रयत्न मे एक्ता है और अल 50% डॉक्टर्स शॉर्टेज है, 50% नर्सेस शॉर्टेज है, 60% टेक्नीशियंस शॉर्टेज है। वो देख के भी फिर भी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है वो काम कर रही है। तो हमने सीएम साहब के और मिनिस्टर के भी नज़र में लाया है एंड दे विल स्टार्ट अपॉइंटिंग डॉक्टर्स, नर्सेस एंड टेक्नीशियंस वेरी सून एंड आवर सिविल हॉस्पिटल बीम्स हॉस्पिटल ऑल्सो विल वर्क वेरी वेल। सरदार हाई स्कूल जो हमारे सबसे पुरानी स्कूल है वहाँ पे भी हमने फंड्स डाला है क्लासरूम के रिपेयर्स के लिए, डेस्क के लिए, लाइब्रेरी के लिए। जो भी हो रहा है हम कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिसी को मेरे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को यही है मैं अपील करता हूँ कि एक नाक नंबर ना कोटता हुए दे तुम के वी विल बी अटेंडिंग दिस कॉल्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स 10 AM टू 5 PM वी विल बी अटेंडिंग दिस कॉल्स। आवर टीम विल अटेंड, वी विल टेक द रिपोर्ट इन द इवनिंग एंड द नेक्स्ट डे वी विल सी दैट समबडी विजिट्स और आई विल पर्सनली विजिट द साइट। बट एनु अर्जेंसी इतने यू कैन कॉल मी अप डायरेक्टली, माई फोन इज ऑलवेज ऑन फॉर 24 आवर्स, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम डायरेक्टली, आई एम हियर टू सर्व यू एंड आई विल अटेंड। बट तमदेन समस्या इतने ना इदीन तम जो तुम्हें इलेक्ट माड़ी ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದ। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್। ಜೈಸೆ ಸರ್ ನೆ ಬತಾಯಾ ಥಾ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮೇ ಏಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಹಮ್ ಔರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈ। ಉಸಿಲಿಯೇ ಹಮ್ನೆ ಸರ್ ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮ್ 4 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ। ಇಸ್ಕಾ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಮಾರಾ ಏಮ್ ಯೇ ಹೈ कि जो भी जनता के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी गैप होती है उसको जितना हो सके उतना क्लोज करने के लिए। तो बेसिकली ये हेल्पलाइन डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, 4 नंबर तो होंगे ही पब्लिक के पास। तो जैसे ही कंप्लेन आएगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लेन आएगा या वाटर एंड सैनिटेशन का कंप्लेन आएगा या रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा, वो डिवाइड होंगे और जो भी कंप्लेन होगा कंसर्न डिपार्टमेंट को हमारी ओर से जाएगा और वो ग्रुप में होंगे, सर भी होंगे, कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स भी होंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इन्वॉल्व होगा। और जो भी कंप्लेन होगा उसका जो भी सोल्यूशन होगा एंड ऑफ द डे हमें रिपोर्ट भी मिलेंगी सर को, और जैसे सर ने कहा जो भी एक्शन लेना है या जो भी उसका सोल्यूशन करना है जितना हो सके उतना जल्दी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसका और एक रीजन ये भी था कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रीट लाइट्स हो और या हाउस के लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हमें नहीं पता है कि हमें किसको कॉल करना है। अगर हम हेस्कॉम को कॉल करेंगे वो हमें बोलेंगे कॉरपोरेशन को करना है, या कॉरपोरेशन को बोलेंगे तो हेस्कॉम को करना है। तो ये सब अंडर वन नंबर और अंडर वन सोल्यूशन हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमारा हेल्पलाइन स्टार्ट हो रहा है।
आज से मंडे टू सैटरडे होगा 10 AM to 5 PM। इसके जो भी नंबर्स हैं हम आपके साथ इसी कॉन्फ्रेंस के बाद में शेयर करेंगे, और अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इट इज पर्टेनिंग ओनली टू बेलगाम नॉर्थ? यस, बिकॉज इट इज अ मैनिफेस्टो बाय सर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर बेलगाम नॉर्थ, और हम ये बेलगाम नॉर्थ के लिए करेंगे। सर उस साउथ को आपको साउथ के एडमिनिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा ना सर, हम इंटरव्यू लोग क्या करते हैं अभी हेल्पलाइन आने के बाद। नहीं सर, ये बेलगाम नॉर्थ का स्पेसिफिक हेल्पलाइन है, चार हेल्पलाइंस, वो हम आपको बताएंगे भी। और जैसे आप कंप्लेन्स कैसे कंप्लेन्स हो रहे हैं सर, कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, सैनिटेशन का हो सकता है, ड्रेनेज का हो सकता है, किसी अधिकारी के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट रहा तो इस पे। हाँ सर, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी है सर के नोटिस को आएगा और अप्रोप्रिएट एक्शन फोन इतना करने का। हाँ सर, और कुछ होगा आपको बताएंगे सर। 9686676217, 9686676218, 9686676219, and 9686676220.